हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है विपद तारिणी का व्रत, तो इसीलिए मैं इतना सज धज के खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए और आप लोगों को भी साथ में लेते हुए चलूँगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। और आज की ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और ये देखिए, आज व्रत वाले दिन जो है छोटी सी एक फुंसी आ चुकी है, और इधर खड़े हैं बाबू साहब। हाय करो। हाय। तो बाबू ने हाय कर दिया है, हाय कर दिया। तो बने रहिए वीडियो पे, और चलिए दिखाते हैं आगे हमारा छोटा सा मंदिर, ठीक है? तो मिलते हैं आप सबसे सीधे मंदिर में। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान ले रही हूँ, तो मैं पहले ले लूँ, उसके बाद जो है हमें चलना है मंदिर। तो मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने जो है घर से क्या क्या लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे प्रसादी वगैरह के लिए पैसा जो है हम लोग पंडित जी को ही दे देते हैं, और पंडित जी ही वहाँ से जो है प्रसादी लेके आते हैं, और हम लोग घर से प्लेट जो भी जिसका होता है वो लेके जाते हैं, और फिर वहाँ से हम लोग लेके आते हैं। तो अभी मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, ठीक है? तो ये रही हमारी थाली, और यहाँ पे मैंने 25 रुपया पैसा लिया है, यहाँ पे चावल लिया है, आलू लिए हैं, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, और ये सब जो है चावल और आलू पंडित जी को दिया जाता है, और बाकी अगरबत्ती धूप बत्ती हम लोग दिखाने के लिए पैसा पंडित जी को जो दक्षिणा देते हैं ना उसके लिए, ठीक है? तो अभी चलिए चलते हैं मंदिर। तो ये हमारे गांव का रास्ता है, और देखिए इसी तरीके से गांव में होते हैं, लेकिन ये सड़क है, लेकिन वैसा अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि गांव में अक्सर देखिएगा ना कि ये सफ़ेद वाला सड़क जो है बनता है, इस कारण से यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत चढ़ जाती है, और सबके घर भी मिट्टी के होते हैं इस वजह से। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। छोटा सा गाँव है तो मंदिर कैसे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग भी बहुत कम हैं, तो इतने कम लोगों में बड़ा मंदिर नहीं बन पाएगा ना, उतनी जो है आमदनी होती नहीं है गांव में, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत पहले ही पंडित जी आ चुके थे यहाँ पे, वो पूजा वगैरह करके बैठे हुए थे, फिर हम लोग गए, तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो है पुष्पांजलि वगैरह ये सब होता है, संकल्प कराया जाता है, तो वो सारा कुछ जो है करा रहे थे। और वो देखिए प्रसादी सब सबके लिए एक एक प्लेट है, क्योंकि इस वाले व्रत में ना विपद तारिणी का जो व्रत होता है उसमें पंडित जी जो है प्रसादी लेके आते हैं, और हम लोग पहले से ही पैसा कलेक्शन करके और फिर उन्हें दे देते हैं, और वही जो है खरीद करके लेके आते हैं, और फिर हम लोग जाते हैं पूजा होने के बाद जिस प्लेट पर हम लोग चावल आलू ये सब लेके जाते हैं ना, वो सारा कुछ हम लोग पंडित जी को दे देते हैं, और प्रसादी हम लोगों को दे देते हैं, फिर हम लोग लेके घर चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे गांव में होती है विपद तारिणी का व्रत, और वैसे तो हर जगह पर दूसरा दूसरा तरीका से होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं, इस वजह से यहाँ पे मूर्ति नहीं आती है, वरना जैसे कि मूर्ति वगैरह आती तो और भी ज़्यादा धूमधाम होता, और भी ज़्यादा मतलब रौनक होती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इतने ज़्यादा लोग व्रत भी नहीं करते हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं होता है। बाकी मेरे ही जैसे कि मायके में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे मूर्ति भी होती है, और वहाँ पे दुर्गा मंदिर में पूजा होती है, और सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, देखने से लगता है कोई मेला है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो जैसा भी है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और हमारा जो है छोटा सा मंदिर और हमारा छोटा सा गांव, कैसा लगा आप लोगों को
इतने से लोगों में ही हम लोग व्रत को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में। और मैंने पहले भी अगला साल भी एक बार जो है विपत्तारिणी का व्रत शेयर किया हुआ है, और इस बार भी मैंने सोचा कि कर ही रही हूँ तो क्यों ना शूट कर लूँ। तो चलिए फिर बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो पर, तब तक के लिए वीडियो एंजॉय कीजिए। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ हमारे घर का जो तुलसी मंदिर है। तो यहाँ पे हवा चल रही है, इस वजह से जो है दिया जल नहीं रही थी, पर जल चुकी है। तभी मैं यहाँ पे पूजा करके और सबको प्रसादी दे देती हूँ, और फिर मैं भी प्रसादी खा लूँगी।